स्वागत है आपका आज का रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन और मेरी सहयोगी प्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन का आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम करेंगे किसान, 5 घंटे तक प्रदर्शन करेंगे किसान। बिल्कुल, और इसके साथ ही टोल प्लाजा को भी किसान फ्री कराने की तैयारी में है। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज किसान काला दिवस के रूप में भी इसे मनाने वाले हैं। टोल प्लाजा को भी किसान फ्री कराएंगे। 11 बजे से 4 बजे तक का वक्त किसानों की ओर से मुकर्रर किया गया है, जब अलग अलग बॉर्डर पर जाकर, अलग अलग हाईवे पर जाकर किसान चक्का जाम करने वाले हैं। और साथ ही मुजफ्फरनगर में किसानों की ट्रैक्टर रैली है, गाजीपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी हो गई है। कुल मिलाकर किसान आज नई रणनीति बनाएंगे और आंदोलन को आगे अब और धार देने की तैयारी किसानों ने कर ली है। और आपको बता दें, तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। हालांकि आज राकेश टिकैत तेलंगाना में पहुंचे हैं, वहां मोर्चा संभालेंगे, किसानों को एकजुट करेंगे। और देखिए, किसान आंदोलन के जाम को लेकर पलवल के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए पहले। पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम है और कोई भी अप्रिय घटना कोई करता है तो उसको हम निपटने के लिए सक्षम है और किसी भी आदमी को कानून अपने हाथ में लेने की कोई परमिशन नहीं है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून काम करेगा और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और केस रजिस्टर्ड किया जाएगा, गिरफ्तार किए जाएंगे। और केपीजी हाईवे से जतिन गोस्वामी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, किसानों की ओर से 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और कहा गया था 11 बजे से 4 बजे तक बॉर्डर ब्लॉक किया जाएगा, एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें क्या आनी शुरू हो गई हैं? क्या किसान सड़कों पर आ चुके हैं? क्या रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है? देखिए, किसी भी वक्त जो किसान है वो पहुंचने वाले हैं अड्डास एंट्री कर सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे केजीपी भी कहा जाता है, यानी कुंडली, गाजियाबाद और पलवल, ये इन तीनों को जोड़ता है। इसके अलावा वो केएमपी भी जाम करेंगे, कुंडली, मानेसर, पलवल। तो क्योंकि मैं केजीपी पर मौजूद हूं तो आपको तस्वीरें साथ साथ दिखा देता हूं। वहां सामने देखिए, वो एंट्री पॉइंट है केजीपी के लिए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए। फिलहाल जो वाहन आ रहे हैं वो जरूर आ रहे हैं, लेकिन पीछे से कुछ डायवर्ट लगाया गया है, जिसके बाद आपको जो नेशनल हाईवे 58 है सामने, जिस पर आपको ट्रैफिक नजर आ रहा है, जो इससे जुड़ता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से, उस पर थोड़ा ट्रैफिक अब कम नजर आएगा। और हमारी कुछ देर पहले बात हुई है किसान नेताओं से, तो वो ऑन द वे बता रहे हैं और किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंचेंगे और जो टोल प्लाजा है उनको वो रोक देंगे। तो उसके चलते चाक चौबंद व्यवस्था, आप पीछे देखेंगे तो पुलिस है। और केएमपी की भी अगर बात करें तो केएमपी पर भी यही इसी तरह से किसानों का जो जमावड़ा है वो रहने वाला है। 11 बजे से 4 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। कुछ विजुअल्स आ रहे हैं कैसे चक्का जाम की शुरुआत हो गई है, कहां कहां किसान चक्का जाम कर रहे हैं, कहां कहां किसान हाईवे पर आ गए, कहां कहां किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करा दिया। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, भारी तादाद में किसान संगठन से जुड़े लोग पहुंचे हुए हैं और ये जो हाईवे है केएमपीएमजी उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, टोल प्लाजा फ्री करा दिए गए हैं। आज काला दिवस मना रहे हैं, आज 100 दिन पूरा हो रहा है किसान आंदोलन को और आज पहले से ही ऐलान था, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो लोग ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे ले रहे हो, सोनीपत के आगे वाला रोड ले रहे हो, कुंडली मानेसर वाला रोड ले रहे हो, वो एहतियातन आज वहां पर उस हाईवे का प्रयोग ना करें अगर कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि 5 घंटे तक किसानों का ये विरोध प्रदर्शन चलेगा और आवाजाही पूरी तरीके से ठप रहेगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, अब आपको दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में किसान सड़कों पर उतरे हैं, चक्का जाम करने वाले हैं और जतिन हमारे साथ लगातार जुटे हुए हैं। जतिन, आपका वापस से मैं रुक करना चाहूंगी। देखिए, तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई हैं, चूंकि 11 बजे का वक्त था, आप देख रहे हैं किसान हाथों में लाल कलर के झंडे लिए, हाथों में काली पर्चियां बांधे हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, देखिए, किसानों ने पहले ही कहा था कि काली पट्टी बांधेंगे और इसके अलावा जो अपनी मांगे हैं वो पोस्टर पर लिखेंगे, बैनर्स पर लिखेंगे और उसको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि टोल वो फ्री कर देंगे तो जो टोल से गाड़ियां गुजरेंगी वहां पर हर एक व्यक्ति को वो दिखाएंगे कि उनकी मांगे क्या हैं
और क्यों वो काला दिवस मना रहे हैं इस बारे में वो बताएंगे भी। तो क्योंकि केएमपी की शायद वो तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि मैं केजीपी पर हूं तो केजीपी क्योंकि नेशनल हाईवे 58 से जुड़ता है, तो आप देखिए ट्रैफिक धीरे धीरे वहां स्लो हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि पीछे से डायवर्ट लगा दिया गया है और पुलिस यहां पर तैनात है। किसी भी वक्त जो गाजीपुर बॉर्डर के किसान है वो यहां पहुंचेंगे और मोदी नगर, मुरादनगर, मेरठ यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो यहां पहुंचेंगे और वो यहां पर भी टोल जो है फ्री करा देंगे। यहां से थोड़ी ही दूरी पर अगर मैं वापस दिखाने की कोशिश करूं, हालांकि वो अगेंस्ट लाइट में है, थोड़ा आपको देखने में समस्या हो सकती है, लेकिन वहां पर जो सामने टोल प्लाजा है उसको रोकने की कोशिश वो लोग यहां पर करेंगे, उसको फ्री करने की कोशिश करेंगे। चक्का जाम क्योंकि इसका नाम दिया गया है तो जाहिर है चक्का जाम भी क्या कुछ चक्का जाम को लेकर वो करते हैं, देखने वाली बात होगी क्योंकि ट्रैक्टर जो है। ठीक है जितिन, आप नजर बनाए रखिए। एक बार सिंगू बॉर्डर चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता राहुल गौतम जुड़ रहे हैं सिंगू बॉर्डर से, जो अब तक का आप कह सकते हैं बिल्कुल पावर सेंटर था। जितने ज्यादा किसान थे जो सरकार से बात कर रहे थे वो सिंगू बॉर्डर से आते हैं, राहुल के पास चलते हैं। राहुल, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें क्या है वो दिखाइए। आज काला दिवस किसान बना रहे हैं, 100 दिन पूरा हो रहा है, हमने देखा जो और तस्वीरें, वहां काले रंग के बैंड्स हाथ पर बांधे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, टोल प्लाजा फ्री कराए जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त किसान क्या कर रहे हैं राहुल? देखिए सिंगू बॉर्डर पर भी किसान निकल चुके हैं, कूच कर चुके हैं, जो कि कुंडली मानेसर बॉर्डर है उसको जो हाईवे है उसको ब्लॉक करने के लिए। ये आप देख सकते हैं किसान अभी ट्रॉलीज में बैठे हुए हैं, ये सभी किसान। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 11 बजते ही जो किसान है वो सड़कों पर आ गए हैं, ट्रैक्टर भी लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हाथों में लाल झंडे पकड़े हुए, हाथों में किसान संगठन के ये झंडा पकड़े हुए किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण हम जरूर करेंगे और हमारा किसी को जनता को तंग करने के लिए हमारा मस्तक नहीं है। शांतिपूर्ण किसानों का आंदोलन चला हुआ है और शांतिपूर्ण करेंगे। इतने थोड़ी हमारी तीनों काले कानून रद्द नहीं करता, इतने थोड़ी और दर्शन। 100 दिन आज कंप्लीट हो, पूरे हो गए हैं, कब तक आंदोलन जारी रहेगा, कब तक आप बैठे रहेंगे, अलग अलग बॉर्डर्स पे आप डटे हुए हैं, कब तक चलता रहेगा आंदोलन? देखो जब थोड़ी तीनों काले कानून रद्द नहीं होते हमारी मांग नहीं मानी जाती, चाहे हमारे को 2 साल लग जो, 3 साल लग जो, आंदोलन करेंगे हम, कोई तोड़फोड़ नहीं कहीं भी करेंगे, शांतिपूर्ण अपना आंदोलन चलता रहेगा। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश जरा इन किसानों से कीजिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, देखिए भाई बातचीत का रास्ता साफ है, अगर किसान चाहे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब किसान जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? क्योंकि हल तो बातचीत के जरिए ही सुलझेगा, हल तो बातचीत के जरिए ही निकलेगा, फिर आखिर ये जो बीच का रास्ता है वो किसान अब निकालने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बिल्कुल, मैं यही सवाल आपका लेकर जाता हूं किसानों के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बातचीत के जरिए इसका हल किया जा सकता है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो है जिद पे अड़ गया है, वो उसने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है। आगे क्या रास्ता है, आप सरकार के साथ वार्ता के लिए अभी भी तैयार हैं? मन है सिर्फ एक ही डिमांड हमारी, तीनों कानून काले कानून वापिस, MSP का मूल्य। इससे फालतू तो मैंने महंगे नहीं, ना इस तक कम महंगे, ना इस तक फालतू महंगे। मैं राष्ट्रीय किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा का, ये मोदी का देगा पश्चिम। सरकार कह रही है कि MSP का लिखित में देगी, मंडी खत्म नहीं होगी, उसके बाद भी 100 दिन पूरे हो गए हैं, अभी आप कह रहे हैं और आंदोलन को उग्र आगे बढ़ाएंगे? भाई साहब बुलाए रखे, हम एक बार बुलाए हैं, कई महीने हो गए बुलाए, 2 महीने हो गए हम सड़क पर बैठे हैं, एक कोई बात करना नहीं आ रहा। और हम क्या करें, कांग्रेस पार्टी 2 आदमी ने रिहा दी थी, एक काणा बाबा रामदेव काणे ने और एक अन्य हजारे ने, ये 2 करोड़ किसान यार इकट्ठे हो रहे हैं, ये इस मोदी सरकार ने पैर नहीं, पैर का फेंक नहीं सकते, पैर का फेंकेंगे एवं जो इन नजारे ने और बाबा रामदेव कड़िए ने करी चाल वह चाल हम चल लेंगे। आप बताइए आपको नहीं लगता कि सरकार जो है जब कह ठीक है राहुल, अब हम वापस आएंगे, आप किसानों से बात कर रहे हैं, समझेंगे कि आके आने वाले समय में किसान क्या चाहते हैं, बातचीत को तैयार नहीं है, क्यों किसान बातचीत को तैयार नहीं है, क्यों नहीं सरकार की बात पे भरोसा हो रहा है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन अब एक बार आपको बता देते हैं कि किसानों का चक्का जाम क्या है, क्या है ये संग्राम, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि चक्का जाम क्या है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और चंदी बॉर्डर पर चक्का जाम है, प्याऊ
मनिमारी सोबोला बॉर्डर मंगेश बॉर्डर पर भी चक्का जाम किया गया है। बिल्कुल, और इसके अलावा NH9 से ट्रैफिक रोड नंबर 56 रोड नंबर 57 डाइवर्ट कर दिया गया है। और अगर आप लोग वहां से निकलना चाहते हैं, दर्शकों से अपील है तो पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ें। इसके अलावा कोंडली पेपर मार्केट ETM नोएडा लिंक रोड निजामुद्दीन कट रोड भी डाइवर्ट किया गया है। मैक्स अस्पताल कट से हसनपुर डिपो रूट डाइवर्ट किया गया है। गाजीपुर गोल चक्कर से आनंद विहार के लिए अप्सरा बॉर्डर पर रूट डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल, और देखिए, अब किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में शायद किसान आंदोलन इतिहास के उन आंदोलन में शुमार हो चुका है। और मैं कहूं कि अग्रिम पंक्ति में राकेश रजत आके खड़ा हो चुका है, जहां जो आंदोलन सबसे लंबे वक्त तक चले हैं। और इन रास्तों का आप अगर इस्तेमाल करते हैं जो अभी हमने आपको बताया, तो किन बातों का ध्यान रखें, देखिए, लामपुर बॉर्डर, साफियाबाद बॉर्डर और पल्ला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो रास्ते हम आपको बता रहे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां दुविधा बिल्कुल नहीं होगी और सुविधा से आप चल पाएंगे। सिंगू स्कूल टोल टैक्स, आनंद विहार बॉर्डर, DND, अप्सरा बॉर्डर का इस्तेमाल आप करें, यहाँ फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और उसके अलावा भोपुरा बॉर्डर, कालिंदी कुंज, बदरपुर, सूरज कुंज, आया नगर, झड़ौदा की एक लेन हालांकि खुली है झड़ौदा की, तो आप इस रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आवाजाही के लिए। दोराला, कापसहेड़ा, बदोसराय, राजोकरी, बिजवासन, पालम विहार, ढंडोड़ा, ITO का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक की परेशानी नहीं है। दिल्ली पहुंचने के वैकल्पिक रास्ते क्या हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। NH44 से पल्ला लालबत्ती, NIT से होकर होलंबी कला 100 फुटा रोड आप ले सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा DSIDC 80 फुटा रोड से आप लामपुर बॉर्डर और साफियाबाद बॉर्डर का भी इस्तेमाल आने जाने के लिए कर सकते हैं। DSIDC से यू टर्न लेकर सिंगू बॉर्डर, स्कूल टोल टैक्स का रास्ता भी आप ले सकते हैं। और देखिए, साफियाबाद प्याऊ मनियारी बॉर्डर से हरीश चंद्र अस्पताल होकर NH44 से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। तो तमाम ये रूट्स हैं जो आपको ऑप्शनल हैं, अगर आप इन रूट का इस्तेमाल आने जाने के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई जाम जैसी स्थिति निर्मित नहीं होने वाली। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा।